हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू चैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे आज हम वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कि आपके DPSC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। उसके हम पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपका 100 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट है, एंड इसमें थ्योरी आपकी 100 मार्क्स की है एंड प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। तो इट मीन्स ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड आपको पूरा बहुत अच्छे से इसमें थ्योरी समझनी पड़ेगी, बहुत इन डेप्थ जो है पढ़ना पड़ेगा। तो सीधा आते हैं, चलिए फिर हम कोर्स कंटेंट पे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूनिट 1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग स्पेशल नीड्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपकी 15 मार्क्स की है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्पेशल नीड्स क्या होती हैं, उसकी नेचर क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहला देखेंगे कि कंसेप्ट, स्पेशल नीड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चे क्या कौन से होते हैं स्पेशल नीड्स वाले। देन कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे अंडरस्टैंड करोगे जिन बच्चों में स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हैं, वो सब आप कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे समझोगे एज अ टीचर। नाउ नेक्स्ट इज स्टडिंग द नीड फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। हमें ये पढ़ना है कि हमें जल्दी ही, मतलब जैसे ही आपको पता चले, आप कैसे इंटरवीन करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उस चीज़ को, उसकी नीड क्या है, क्यों इतनी जल्दी मतलब उसको स्टडी करना है। देन रिकॉग्नाइजिंग अटिपिकल डेवलपमेंट इन कंटेक्स्ट, एटिपिकल डेवलपमेंट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ये सारा आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं, बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 आपकी 20 मार्क्स की है एंड दैट्स अ वेरी गुड मार्क्स। तो इसमें काफ़ी, मतलब ये इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें से आता है, एप्लीकेशन बेस भी आता है और सीधे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूनिट 2 है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एंड डिलेज इन इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड 0 to 2 years। आपको इसमें समझना है कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, डिलेज क्या होती हैं जो भी इन्फेंसी में और टॉडलरहुड्स में आती हैं, तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो फर्स्ट इसका है अटैचमेंट डिफ़िकल्टीज। अटैचमेंट डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है, सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है, नॉन ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव क्या होता है, पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, देन रिजेक्टिंग पेरेंटिंग, एंशियस ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग क्या होती है, कि सारा ये पूरी यूनिट जो है मैंने कवर कराई हुई है। यू कैन चेक आउट माई वीडियोज एज वेल अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम एंड सेरेब्रल पाल्सी। ऑटिज्म क्या होता है आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, डाउन सिंड्रोम भी पढ़ा हुआ है, नया पढ़ना है सेरेब्रल पाल्सी। देन देखते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग, फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑपोजिशनल बिहेवियर। देन इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे की डेवलपमेंट पे, वो आपको ऑल इन ऑल इन सब का कंक्लूजन लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब बात करते हैं यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एंड डिलेज इन प्री स्कूल ईयर्स। पहले हम भी टॉडलरहुड में पढ़े, अब हम प्री स्कूल ईयर्स में पढ़ेंगे जो 2 से 6 साल होते हैं। ये भी 20 मार्क्स की है एंड दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट एज वेल। तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको ग्रोथ और फीडिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉग्निटिव और मोटर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका स्पीच कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन प्रॉब्लम। बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि SLI, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, डिलेड स्पीच। तो ये सब आपको देखना है क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज सिम्टम्स होते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, तो दैट इज कॉग्निशन एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, जो कि है डाउन सिंड्रोम, सेंसरी और फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये है आपकी विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर, सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि ऑपोजिशनल बिहेवियर, एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, और लास्ट जो है इन सब का इम्पैक्ट बताना है इस बच्चे की डेवलपमेंट पे। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन अर्ली प्राइमरी ईयर्स। अब स्टेज बाय स्टेज आ रहा है, ये देखो टॉडलर आया, प्री स्कूल आया, अब बात करेंगे अर्ली प्राइमरी ईयर्स जो है 6 से 8 साल। ये भी 20 मार्क्स की यूनिट है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो ये जो सब्जेक्ट है ये ऑल इन ऑल इम्पॉर्टेंट ही है, एज यू कैन सी कि 100 मार्क्स की पूरी थ्योरी है। तो चलिए फिर इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें है
बिहेवियरल सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्कूल रिफ्यूजल, स्कूल एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, डेफिएंस, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्या अगर मैं बात करूँ तो स्पीच और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो 6 से 8 साल के बच्चे में होंगी, स्टैमरिंग, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, देन कॉग्निशन एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या होंगी जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, पर्वेसिव डेवलपमेंटल डिलेज क्या होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, एस्पर्जर सिंड्रोम, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होंगी। देन आप पढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 है आपकी 25 मार्क्स की, इसमें है प्रिपेयरिंग फॉर इंक्लूजन एंड एक्सेसिंग रेफरल सर्विसेज, जैसे कि व्हाट इज इंक्लूजन, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन, प्रिपेयरिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम, कैसे आप मॉडिफाई करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडल्ट चाइल्ड रेशियो में, करिकुलम में, इक्विपमेंट्स में कि इंक्लूजन के लिए सेटअप हो जाए। देन पीयर सपोर्ट को कैसे इवॉल्व करोगे, मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ कैसे काम करोगे, पेरेंट्स के साथ कैसे काम करोगे, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ, जो भी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कैसे काम करोगे। देन बच्चों को, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, लाइक फिजिकल और सेंसरी प्रॉब्लम्स बिहेवियर वालों को, तो ये सारा आप देख सकते हो, ये सारा पढ़ना है। लास्ट है रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर रेफरल, फिर देखना है कि रेफरल की क्या नीड है। तो ये है हमारा जो भी है स्पेशल नीड्स का पूरा सब्जेक्ट, एंड इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये है पूरा हमारा स्पेशल नीड्स का सब्जेक्ट का सिलेबस। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।